हेलो ऑल। तो आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ देखने जा रहे हो, जो बहुत कॉमन केस लॉ है, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, दैट इज सलेमन वर्सेस सलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, नहीं आता होगा, बट आई थॉट कि एक बार फिर से क्लेरिफाई करते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट। सलेमन वर्सेस सलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर सलेमन जो था वो बूट मैन्युफैक्चरर था, शू मैन्युफैक्चरर था, बूट बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप रन कर रहा था। देखो, बिजनेस तो ग्रो होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से आगे कंपनी। तो सैलेमन का बिजनेस ग्रो हो रहा था, तो सैलेमन ने कंपनी बनाई जिसका नाम था सैलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, और सैलेमन ने अपना पूरा कारोबार, पूरा बिजनेस इस कंपनी को सेल कर दिया। और उस कंपनी को सेल करके सैलेमन ने इन रिटर्न में उस कंपनी के शेयर्स ले लिए, कुछ डिबेंचर ले लिए और थोड़ा कैश ले लिया। अब ये बहुत ही पुराना केस है, तो जिसके तहत ये केस जो है ये पाउंड में था, 38,782 पाउंड कंसिडरेशन दिया गया फॉर सेलिंग द बिजनेस टू द कंपनी, एंड इन रिटर्न ही गॉट शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश। अब समझना, सैलमन ने क्या किया, सैलमन की पूरी फैमिली मेंबर को ही यहाँ पर कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया। देखता है, तो यहाँ पर सैलमन ने सबसे पहले, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को शेयर होल्डर बनाया, अपनी एक बेटी को शेयर होल्डर बनाया, चार बेटे को शेयर होल्डर बनाया, और अब वो खुद शेयर होल्डर बना। बट उसने सभी के नाम पर एक 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 शेयर रखा और खुद के नाम पर सारे बाकी शेयर्स रखे। तो कंपनी बनाने के लिए 7 पीपल लगता है ना उस केस में, तो यहाँ पर वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स प्लस बाकी सारे शेयर्स सैलमन के, 7 मेंबर्स उसने आए, जिसके तहत 3 डायरेक्टर भी अपॉइंट करने थे। सैलमन ने खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया और सैलमन ने बाकी 2 बेटों का अदर डायरेक्टर्स बना दिया। कंपनी चला 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 चला। यार देखो, इट्स अ लाइफ साइकिल, जैसा है वैसे ही। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कंपनी का साइकिल भी ऐसा है, पहले इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, कॉन्स्टेंट या मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज, तो आप बिजनेस लॉसेस में आने लगा। एक समय तक बिजनेस चला और बाद में बिजनेस कहीं ना कहीं हुआ टर्न आउट इनटू लॉसेस। अब जब कंपनी बंद करने की बात हुई, तो यहाँ पर कंपनी बंद करने पर 6050, 6,050 पाउंड का एसेट था, बट लाइबिलिटी जो थी वो 18,000 पाउंड का था, जिसके तहत सैलमन का खुद का पैसा डिबेंचर के फॉर्म में जो उसने दिया था, याद करो, जो डिबेंचर मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे सैलमन 38,782 पाउंड में बिजनेस बेचता है, तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स लेता है, 20,000 पाउंड के शेयर लेता है, 10,000 पाउंड का सिक्योर डिबेंचर्स लेता है, और बाकी जो है वो कैश लेता है 8782, करेक्ट है बात। अब यही सैलमन का 10,000 पाउंड का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है और अदर क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 8,000 पाउंड बाकी है। तो कंपनी का एसेट इज नॉट सफिशियंट टू क्लियर ऑल द लाइबिलिटी। 6,050 पाउंड है, 18,000 पाउंड है, 6,050 जो है ना वो सैलमन की लाइबिलिटी क्लियर करेगा, ना अदर क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइबिलिटी क्लियर करेगा। तो अब सिक्योर्ड क्रेडिटर सैलमन वर्सेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में झगड़ा हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं सैलमन और कंपनी एक ही है, सैलमन और कंपनी एक ही है, तो सैलमन को पैसा नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। सैलमन बोलता है, भाई मैं भी तो डिबेंचर होल्डर हूं, मैं भी तो एक क्रेडिटर हूं, मुझे पैसा प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो 8,000 पाउंड बचे हैं, वो लोग बोल रहे नहीं, हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ये मैटर पहुंच गया, सैलमन बोलता है मेरा हक है, जो 6,050 पाउंड है पहले मेरा डिबेंचर क्लियर होगा, और अगर बच गया तो तुम्हारा। अदर क्रेडिटर बोलते हैं तू और कंपनी एक ही है, तू ही कंपनी है, समझो मेरी बात। तो उस केस में अब यहाँ पर ये मैटर कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने बोला कि नो डाउट सैलमन इज द शेयर होल्डर, उसने ही कंपनी बनाई है, बट सैलमन इज सेपरेट एंड कंपनी इज सेपरेट। कंपनी का अपना एक स्टैंडिंग है, कंपनी का अपनी एक पर्सनैलिटी है, कंपनी अपने नाम पर एसेट लेता है, कंपनी का अपना एक वजूद है, प्रेजेंस है, कंपनी की अपनी लाइफ है, कंपनी अलग है और उसके ओनर अलग है, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते। और यहाँ पर सैलमन को प्रायोरिटी दी गई क्योंकि उसका सिक्योर्ड डिबेंचर था, अनसिक्योर्ड डिबेंचर को प्रायोरिटी नहीं दी गई, भले सैलमन ही कंपनी का ओनर था। सोचो आप, यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल है कि रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी इज द शेयर होल्डर, एज वेल एज मुकेश अंबानी हैज गिवन लोन टू द कंपनी, तो मुकेश अंबानी सेपरेट, रिलायंस इज सेपरेट,
जब रिलायंस अगर बंद होती, होनी नहीं चाहिए बट एग्जाम्पल है, अगर बंद होती है तो मुकेश अंबानी बोलेगा नो डाउट आई एम द शेयर होल्डर बट मैं एक डिबेंचर होल्डर तो हूँ, मुझे एज ए डिबेंचर होल्डर मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है और मुझे डिबेंचर्स के पैसे मिलने चाहिए। वो क्यों नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। एज अ शेयर होल्डर वो रैंक अलग जाएगा बट एज अ डिबेंचर होल्डर उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो यहां से हमने सीखा कि भले सैलमन ने ही कंपनी बनाई है, भले सैलमन ने ही अपना बिजनेस कंपनी को बेचा, सैलमन ही कंपनी चला रहा है, डायरेक्टर है, बट कंपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, सैलमन अलग है। कंपनी और सैलमन को हम मिक्स नहीं कर सकते, सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ आया मेरी बात? तो ऐसे ही कुछ टॉपिक अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप नीचे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पर आप पिंग करोगे, जिसके लिए बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा। बेस्ट विशेस, थैंक यू।